फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आई वेस आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना क्लास। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है ई बी सी डी आई सी स्टैंड्स फॉर। ई बी सी डी आई सी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए नंबर ऑप्शन है एक्सटेंडेड बाइनरी कम डेसिमल इंटरचेंज कोड। बी नंबर है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सी नंबर है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरनेट कोड। और डी नंबर ऑप्शन है नन। तो आपको बताना है कि ई बी सी डी आई सी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे ए बी सी या फिर डी नंबर ऑप्शन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है क्या है आपका, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका बाइनरी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, जो कि है आपका बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, जो कि है द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू, यानी कि किसी कंप्यूटर का मुख्य जो है उद्देश्य क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि डेटा को कन्वर्ट करना, डेटा को किस में कन्वर्ट करना, किसी कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य डेटा को किस में परिवर्तित करना होता है, फाइल्स में, इंफॉर्मेशन में, ग्राफ में या फिर टेबल में। करेक्ट आंसर सेलेक्ट करें आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए कि किसी कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, डेटा को किस में परिवर्तित करना होता है, फाइल में, इंफॉर्मेशन में, ग्राफ में या फिर टेबल में। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है क्या है आपका इन्फॉर्मेशन जो है आपका बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री है मैक्रोज कमांड इज इन विच मेनू इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस मेनू में मैक्रो कमांड होता है, मैक्रो कमांड लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में होता है। तो ऑप्शंस क्या है आपके, इंसर्ट, स्लाइड, टूल्स, नन ऑफ द ऑप्शंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, मैक्रो कमांड किस मेनू में होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस मेनू में मैक्रो कमांड होता है, इंसर्ट में, स्लाइड में, टूल्स में या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस। तो जो आपका मैक्रो कमांड होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के टूल्स मेनू में होता है, किस में होता है, टूल्स में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टूल्स। क्वेश्चन नंबर थ्री का सी नंबर ऑप्शन टूल्स ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, यानी किसी कंप्यूटर में डेटा किस रूप में, किसी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन यानी सूचना किस तरह स्टोर होता है, किस तरह स्टोर होता है, सूचना कंप्यूटर में किस तरह स्टोर होता है, मैकेनिकल डेटा के रूप में, बी है एनालॉग डेटा के रूप में, सी है डिजिटल डेटा के रूप में और डी है नन ऑफ द ऑप्शंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए, मैकेनिकल डेटा, एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा या नन ऑफ द ऑप्शंस। तो जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है, डिजिटल के रूप में होता है, डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर के लिए सी, क्वेश्चन नंबर फोर का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। क्वेश्चन नंबर फाइव है ट्विटर हैंडल्स आर प्रोसीडेड बाय द सिंबल। ट्विटर हैंडल किसके द्वारा प्रोसीड किए जाते हैं, किस सिंबल के द्वारा ट्विटर हैंडल्स प्रोसीड किए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास फोर, हैश, एट साइन और नन ऑफ द ऑप्शंस तो इसके लिए करेक्ट आंसर चुने क्या होगा, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्विटर हैंडल जो होते हैं वो किस सिंबल के द्वारा प्रोसीड किए जाते हैं, फोर, हैश, एट साइन या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, एट साइन के द्वारा प्रोसीड किए जाते हैं। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव का सी होगा, क्वेश्चन नंबर फाइव का सी नंबर ऑप्शन जो है एट साइन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, जो कि है मल्टीपल डेस्कटॉप्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग, यानी मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन कैसे दिखाई देता है, मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन कैसे दिखाई देता है। तो ए नंबर ऑप्शन है स्टोर आइकन पर क्लिक करने से,
बी नंबर ऑप्शन है कि टास्क बार ऑप्शन पे क्लिक करके, सी है टास्क व्यू आइकन पर क्लिक करके, और डी है टास्क रिव्यू आइकन पर क्लिक करके। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मल्टीपल डेस्कटॉप कैसे दिखाई पड़ते हैं, मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन कैसे शो होता है, कैसे क्रिएट किया जा सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास स्टोर आइकन, टास्क बार आइकन, टास्क व्यू आइकन, टास्क रिव्यू आइकन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका मल्टीपल डेस्कटॉप के लिए क्या करते हैं, जब हम टास्क व्यू पर क्लिक करते हैं तो जो भी टास्क चल रहा है तो उसे क्या करता है, मल्टीपल जो है डेस्कटॉप के रूप में आपको अलग अलग दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का सी, क्वेश्चन नंबर सिक्स का सी, टास्क व्यू आइकन। फिर है क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, विच लेजर इज यूज इन लेजर प्रिंटर, विच लेजर इज यूज इन लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर में किस प्रकार का लेजर यूज होता है, लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर यूज होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपके पास सेमी कंडक्टर लेजर, बी नंबर है डाई लेजर, सी नंबर ऑप्शन है गैस लेजर, और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ द ऑप्शंस। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा लेजर जो है आपका लेजर प्रिंटर में यूज होता है, सेमी कंडक्टर, डाई, गैस या नन ऑफ दी, यानी कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा आपका सेमी कंडक्टर लेजर होता है, क्या होता है, सेमी कंडक्टर लेजर यूज होता है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ, जो कि है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द सर्विस मॉडल आर मेनली प्रजेंट इन क्लाउड, इन क्लाउड, क्लाउड में मुख्य रूप से कौन कौन से मॉडल, कितने मॉडल होते हैं, मुख्य रूप से कुल कितने मॉडल होते हैं, क्लाउड में मुख्य रूप से कुल कितने मॉडल उपस्थित होते हैं, 4, 3, 1, 2। तो कितने होंगे कमेंट करें आप लोग, राइट आंसर क्या होगा इसके लिए। तो जो आपका क्लाउड सर्विस होता है उसमें जो है मॉडल्स में कौन कौन से मुख्य रूप से होते हैं, तो आपका क्या होता है, आपका SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पर एक होता है आपका SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, और एक दूसरा होता है आपका PaaS यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और तीसरा होता है IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो कितने हो गए, तीन हो गए, यानी क्वेश्चन नंबर एट के लिए जो बी नंबर ऑप्शन है आपका थ्री, वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो कितने जो है मॉडल क्लाउड सर्विस मॉडल में कुल कितने टाइप हो जाएंगे, तो थ्री टाइप्स हो जाएंगे, कौन कौन से, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर एट के लिए करेक्ट आंसर आपका बी होगा थ्री, बी का बी होगा थ्री, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे, तो क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा क्या आता है, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो डॉट मैट्रिक्स है, डॉट मैट्रिक्स इनमें से किसका प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका प्रकार है। तो ऑप्शंस क्या है आपके पास, ए नंबर ऑप्शन है आपका टेप, बी नंबर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, सी नंबर ऑप्शन है डिस्क, और डी नंबर ऑप्शन है आपका प्रिंटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए आपको बताना है, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो निम्नलिखित में से किसका प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका प्रकार है, या फिर डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, टेप, सॉफ्टवेयर, डिस्क या प्रिंटर, डिस्क या प्रिंटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डॉट मैट्रिक्स क्या होता है आपका, डॉट मैट्रिक्स आपका प्रिंटर का प्रकार होता है, डॉट मैट्रिक्स क्या होता है आपका, प्रिंटर का प्रकार होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए, डी, क्वेश्चन नंबर नाइन का डी नंबर ऑप्शन प्रिंटर करेक्ट होगा। प्रिंटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, और जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें आते हैं इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए जो डी नंबर ऑप्शन था ये आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर टेन है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द फार्मूला इक्वल काउंट 1, 2, 3, A1 range A3। तो आपको बताना है कि फार्मूला इक्वल काउंट 1, 2, 3, A1 range A3 का क्या वैल्यू आएगा, 2,
3, 4 या 5। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, काउंट 1, 2, 3, A1 रेंज A3 की वैल्यू क्या जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आएगी, 3। और 3 क्यों आएगी, क्योंकि देखिए इसमें जो है काउंट ने गिनना है, और गिनने में क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3 और A1 से A3 को गिनना है। देखिए तो 1, 2, 3 अगर इसको काउंट करेंगे तो 3 तो ये हो जा रहे हैं, और उसके बाद A1 से A3 रेंज दिया, तो A1 से A3 में कोई वैल्यू अगर नहीं दिया है तो आप क्या मानेंगे कि कुछ नहीं है, खाली है। तो अगर वो खाली है तो उसको काउंटिंग ही नहीं करेगा, और क्या बच जाएगा, 1, 2, 3 यानी कितने हुए, 3। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का बी, जो कि है 3। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस, डेनियल ऑफ सर्विस का क्या उद्देश्य होता है, डेनियल ऑफ सर्विस का क्या उद्देश्य होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है टू एग्जीक्यूट अ ट्रोजन ऑन अ सिस्टम, यानी कि एक ट्रोजन एक वायरस को जो है कि सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराना, ठीक है, ट्रोजन का सिस्टम पे एग्जीक्यूट करना। बी नंबर ऑप्शन है कि रिवील वीकनेस इन TCP/IP स्टैक्स, यानी TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल की कमियों को उजागर करना, TCP/IP स्टैक्स की कमियों को उजागर करना। सी नंबर ऑप्शन है टू ओवरलोड अ सिस्टम, यानी कि सिस्टम को ओवरलोड करना सो इट इज़ नो लॉन्गर ऑपरेशनल, यानी कि जिससे कि वह कार्य करने योग्य अवस्था में न रहे। और डी नंबर ऑप्शन है शटिंग डाउन द सर्विस, यानी सर्विस को बंद करना, सेवाओं को बंद करना। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो डेनियल ऑफ सर्विस का उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू ओवरलोड अ सिस्टम, क्या होगा, टू ओवरलोड अ सिस्टम सो इट इज नो लॉन्गर ऑपरेशनल, यानी कि सिस्टम को ओवरलोड करना जिससे कि वह जो है कि कार्य करने योग्य अवस्था में न रहे, कार्य करने योग्य अवस्था में न रहे। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 12, विच डेटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू सेंड डेटा इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम, विच डेटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू डेटा इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, यानी कि किसी एक ही समय में डेटा को दोनों दिशाओं में भेजने के लिए कौन सा कम्युनिकेशन होता है, कौन सा डेटा कम्युनिकेशन एक साथ दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए होता है। तो ऑप्शंस के आपके पास फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, सुपर डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स, सुपर डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए बताना है आपको कि कौन सा डेटा कम्युनिकेशन मेथड आपको एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा स्थानांतरण करने की सुविधा देता है, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, सुपर डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फुल डुप्लेक्स। जो फुल डुप्लेक्स होता है वो एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है, जिससे कि हम दोनों दिशाओं में एक ही साथ डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 13, DTP स्टैंड्स फॉर, DTP का फुल फॉर्म क्या होता है, DTP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर चुने क्या होगा, DTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DTP होता है ऑप्शन क्या आपके पास, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, नन ऑफ द ऑप्शंस। करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए बताएं आप लोग, DTP स्टैंड्स फॉर, DTP का फुल फॉर्म क्या होगा, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या नन ऑफ द ऑप्शंस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो DTP का फुल फॉर्म होता है क्या होता है आपका, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सी नंबर ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, व्हाट डज क्लाउड मीन, क्लाउड का क्या मतलब है, व्हाट डज क्लाउड मीन, क्लाउड का क्या मतलब है। तो ऑप्शंस के आपके पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट या कंप्यूटर। क्लाउड का क्या मतलब है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट या कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो क्लाउड होता है हम क्या करते हैं, क्लाउड नेटवर्किंग, यानी क्लाउड में क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं।
तो क्लाउड का मतलब क्या होता है आपका, इंटरनेट होगा। क्लाउड का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरनेट यानी क्लाउड पे डेटा स्टोर कर रहे हैं, यानी कि हम इंटरनेट पे डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फॉर हाउ लॉन्ग डज OTP रिमेन वैलिड, यानी कि एक OTP जो होता है अधिकतम कितने समय के लिए वैलिड होता है, OTP कितने समय के लिए वैलिड होता है। तो 1 ईयर, 1 डे, 1 मंथ या 1 मिनट या फिर 1 मिनट। तो OTP कितने समय के लिए रहेगा, 1 साल के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 1 मिनट के लिए। जो OTP होता है वो 1 टाइम पासवर्ड, OTP क्या होता है आपका, 1 टाइम पासवर्ड होता है। और यह कितने समय के लिए वैलिड होता है, OTP जो है कि आपका 1 साल के लिए भी नहीं होता है, 1 दिन के लिए भी नहीं होता है, 1 महीने के लिए भी नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट कितना होता है, 1 मिनट के लिए होता है। ठीक है, कहीं आपका 1 मिनट, किसी में 2 मिनट, किसी में 30 सेकेंड्स, ऐसे लिमिट होती है OTP की। तो जहाँ पे जो लिमिट होती है उस तो उसके अनुसार चुनते हैं, लेकिन क्या होता है मिनिमम होता है आपके 1 मिनट के आसपास इसके जो है कि वैलिडिटी होती है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का डी होगा। 15 का डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16। वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटराइज सिस्टम इंस्टॉल्ड अंडर रेलवेज इन इंडिया, यानी कि इंडिया में रेलवे के अंतर्गत पहला कंप्यूटराइज सिस्टम कहाँ इंस्टॉल किया गया था, पहला कंप्यूटराइज सिस्टम इंडिया में रेलवे के अंतर्गत कहाँ इंस्टॉल किया गया था, मुंबई में, चेन्नई में, न्यू दिल्ली में या फिर कोलकाता में, या फिर कोलकाता में। करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ जो है कि पहला कंप्यूटर जो है रेलवे के लिए इंडिया में कहाँ लगाया गया था, तो न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16 का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ PSP इन रिलेशन टू UPI, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ PSP इन रिलेशन टू UPI, UPI के संबंध में PSP का फुल फॉर्म क्या है, UPI के संबंध में PSP का फुल फॉर्म क्या होगा। पेमेंट सेटलमेंट प्लेटफॉर्म, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, पेमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइडर या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए बताएं आप लोग। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ PSP इन रिलेशन टू UPI, UPI के संबंध में PSP का फुल फॉर्म क्या है, पेमेंट सेटलमेंट प्लेटफॉर्म, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, पेमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइडर या फिर नन ऑफ दीज। तो UPI के संदर्भ में UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसका काम क्या होता है, UPI के द्वारा हम मनी ट्रांसफ़र का काम कर रहे हैं, किसी को रुपए भेजना होता है या फिर प्राप्त करना होता है, तब के लिए हम UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का यूज करते हैं। तो इसके संबंध में PSP का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो PSP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, क्या होगा आपका, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, PSP आपका होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। फिर है क्वेश्चन नंबर 18। विच ब्राउज़र इज इनबिल्ट इन विंडोज़ 10, विंडोज़ 10 में इनबिल्ट कौन सा ब्राउज़र होता है, यानी कि जैसे कि हम विंडोज़ 7 यूज करते हैं, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। वैसे ही अगर विंडोज़ 10 को देखें तो विंडोज़ 10 में डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा ब्राउज़र होता है, विंडोज़ 10 में गूगल क्रोम, ओपेरा, एज या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा इनबिल्ट ब्राउज़र आपका विंडोज़ 10 में होता है, क्रोम, ओपेरा, एज या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप विंडोज़ 10 यूजर होंगे तो आप तुरंत बता सकते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन ब्राउज़र होता है विंडोज़ 10 में वो क्या होता है, एज होता है, क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज। 18 के लिए जो सी नंबर ऑप्शन है एज, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। विंडोज़ 10 में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एज ब्राउज़र होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फार्मूला इक्वल 256 / मिनिमम
5, 0, 8। तो ऑप्शंस आपके पास 0, बी नंबर है डी और सी है हैश div/0 एक्सक्लामेशन मार्क है और डी है 5। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आप एक्सेल में इक्वल 256/minimum 5, 0, 8 करते हैं तो इसका क्या वैल्यू आएगा, तो देखिए पहला काम जो है कि आपको क्या करना है, मिनिमम निकालना है 5, 0 और 8 का। तो 5, 0 और 8 में मिनिमम क्या हो जाएगा, तो 5, 0, 8 में कौन सबसे कम है, तो 0 है। तो आपका मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 256/0, यानी 256 में 0 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे अनंत आ जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, जो एक्सेल है वो आपको शो करता है #div/0 और एक्सक्लेमेशन मार्क करके आपका शो करता है, एक तरीके से एरर शो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, वंस रिकॉर्ड्स आर सबमिटेड ऑन अ ब्लॉकचेन दे कैन बी अल्टर्ड, यानी कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसमें अगर आप ब्लॉकचेन में कोई एक रिकॉर्ड सबमिट कर देते हैं तो क्या उसे आप बाद में चेंज कर सकते हैं, ट्रू या फिर फाल्स, ये जो सेंटेंस है ये आपका ट्रू है या फिर फाल्स है। तो करेक्ट आंसर चुने आप लोग क्या होगा इसके लिए, तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा, जब आपका रिकॉर्ड एक बार सबमिट हो गया तो आप उसको बाद में अल्टर नहीं कर सकते हैं, बाद में आप उसे बदल नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फाल्स हो जाएगा, ये आपका फाल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन शुड अपडेट द ऑपरेटिंग सिस्टम ए प्रॉम्प्टली टू अवॉइड बेइंग इजी टारगेट फॉर हैकर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्स को प्रॉम्प्टली अपडेट करना चाहिए हैकर के आसान तरीके से टारगेट होने से बचने के लिए, हैकर से बचने के लिए हमें हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्स को प्रॉम्प्टली अपडेट करते रहना चाहिए। तो ये आपका ट्रू है या फिर फाल्स, क्वेश्चन नंबर 21 आपका ट्रू होगा या फिर फाल्स होगा, तो करेक्ट आंसर चुने क्या होगा। तो 21 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमें हैकर से बचने के लिए या फिर जो अपडेट रहने के लिए हमें अपडेट करने की आवश्यकता होती है। तो 21 के लिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ट्रू। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, इन द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ फॉन्ट साइज जो होता है, यानी जब हमें फॉन्ट चेंज करना हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज पे जाते हैं और वहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो फॉन्ट के ड्रॉप डाउन मेनू में यू विल फाइंड 21, यानी कि हम 21 को पाएंगे एज वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर फॉन्ट साइज, यानी कि इस तो और सारे फॉन्ट के साथ में 21 को हम पाएंगे। तो क्या ये सही है, तो नहीं, क्योंकि 21 आपका नहीं होता है, 21 आपका ड्रॉप डाउन मेनू में नहीं होता है। तो 22 हो जाएगा आपका फॉल्स, 22 नंबर जो आपका ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा फॉल्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, कि यहाँ पे जो है आपका विच वन ऑफ दिज इफ एनी मैन मेड मशीन दैट कैन परफॉर्म वर्क आर एदर एक्शंस नॉर्मली परफॉर्म्ड बाय ह्यूमंस, यानी कि इनमें से कौन सा एक मनुष्य द्वारा निर्मित मशीन है जो कि कार्यों को कर सकता है और मनुष्यों द्वारा किए गए अन्य कार्यों को भी कर सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास इंजीनियरिंग, बॉक्स, रोबोट या फिर हाइब्रिड कार, इनमें से कौन सा एक मैन मेड मशीन है जो कि कार्यों को करता है और अदर कार्यों को भी कर सकता है जो कि मनुष्यों द्वारा किया जाता है। तो इंजीनियरिंग, बॉक्स, रोबोट या फिर हाइब्रिड कार, तो वो क्या होगा आपका, रोबोट होगा। क्या होगा, रोबोट एक आपका मैन मेड मशीन है जो कि अन्य कई सारे कार्यों करता है और साथ में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी ये कर सकता है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर में थोड़ा मिस्टेक हो गया, 20 की जगह 34 हो गया है। तो
तो यहाँ जो है कि ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम स्पेस प्रोवाइडेड बाय जीमेल, जीमेल के द्वारा उपलब्ध कराया गया अधिकतम स्पेस क्या हो सकता है, तो 10 GB, 25 GB, 15 GB या फिर 20 GB या फिर 20 GB। तो जो मैक्सिमम स्पेस होता है जीमेल के द्वारा उपलब्ध वह क्या होता है, वह होता है आपका 15 GB, 15 GB, जो कि है आपका सी नंबर ऑप्शन। इसका सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, कितना है 15 GB, 15 GB ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 25 क्या है, व्हाट विल हैपन इफ़ यू प्रेस द कंट्रोल प्लस आफ्टर सेलेक्टिंग सेकेंड रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेकेंड रो को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करते हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ए नंबर ऑप्शन है सेकेंड रो विल बी डिलीटेड, यानी कि सेकेंड रो डिलीट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन है सेकेंड रो विल हाइड, यानी सेकेंड रो जो है वो आपका हाइड हो जाएगा। सी है ए न्यू रो विल बी इंसर्टेड बिलो द सेकेंड रो, यानी कि जो आपका सेकेंड रो है उसके नीचे एक रो इंसर्ट होगी। डी है अ न्यू रो विल बी इंसर्टेड एबव द सेकेंड रो, यानी कि सेकेंड रो के ऊपर जो है एक रो इंसर्ट होगी। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जो सी नंबर है ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि है अ न्यू रो विल बी इंसर्टेड बिलो द सेकेंड रो, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए सी। 25 का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, BCC स्टैंड्स फॉर, BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक कार्बन कलर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक कार्बन कलर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये जो BCC है ये आपका यूज होता है ईमेल से संबंधित है, ये आपका ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल से संबंधित है, और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 26 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर है 27, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ QR, QR का पूर्ण रूप क्या होता है, यहाँ बताना है आपको कि QR का फुल फॉर्म क्या होगा, क्वेरी रिलेटेड, क्वेश्चन रिस्पांस, क्विक रिस्पांस या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस। जो QR है, QR जो है कि डेंसो वेब कंपनी ने इसका आविष्कार किया था, QR कोड का आविष्कार डेंसो वेब कंपनी ने किया था, और QR कोड में मैक्सिमम 7089 कैरेक्टर शामिल हो सकते हैं, 7089 कैरेक्टर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और साथ में जो है कि QR का फुल फॉर्म क्या होता है ये पोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है क्या फुल फॉर्म होगा, क्वेरी रिलेटेड, क्वेश्चन रिस्पांस, क्विक रिस्पांस या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्विक रिस्पांस। क्या होता है आपका, क्विक रिस्पांस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो कि है क्विक रिस्पांस, क्विक रिस्पांस आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, व्हाट इज़ द मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट, मिनिमम जूम लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में मिनिमम जूम कितना होता है, अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट को यूज कर रहे हैं, अगर आपको छोटा करना है पेज को तो आप मिनिमम कितना छोटा कर सकते हैं, मिनिमम कितना छोटा कर सकते हैं, 10%, 30%, 50% या फिर 20%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20% मिनिमम आप कर सकते हैं, 20%, 20% से आप कम नहीं कर सकते हैं, 20% से कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर अ ब्रॉडबैंड, यानी किसी ब्रॉडबैंड के लिए मिनिमम बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, एक ब्रॉडबैंड के लिए मिनिमम कितनी जो है बैंडविड्थ होनी चाहिए, 256 KBPS, 1024 KBPS, 128 KBPS या फिर 521 KBPS। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 256 KBPS, क्योंकि बैंडविड्थ के लिए
मिनिमम बैंडविड्थ जो है ब्रॉडबैंड के लिए कितना होता है 256 kbps। फिर है 30 नंबर क्वेश्चन जो कि है व्हाट आर द प्रोटेक्टिव बैरियर्स दैट आर बिटवीन द प्राइवेट नेटवर्क एंड इंटरनेट कॉल्ड, यानी जो प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं नेटवर्क और इंटरनेट के मध्य, नेटवर्क और इंटरनेट के मध्य जो प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट के बीच जो प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं, सुरक्षात्मक उपाय होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। फोल्डर, वायरस, प्रोटोकॉल या फिर फायरवॉल। फोल्डर, वायरस, प्रोटोकॉल या फिर फायरवॉल, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फायरवॉल्स। क्या होते हैं वे? फायरवॉल्स होते हैं जो कि आपके प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होने पर आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 के लिए डी होगा। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो फ्रेंड्स हमारी क्लास जो है रेगुलर हमारी 8:15 पर शाम को होती है, तो आप लोग रेगुलर क्लास को ज्वाइन करते रहें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को करते रहें बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।